हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया, डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए करंट अफेयर की एक छोटी सी क्लास होती है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के। आप लोग अगर क्वेश्चंस का आंसर पता हुआ करें तो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, और वीडियो के एंड में जरूर लिख के बताना कि सर कितने क्वेश्चन आप मेरे सही गए और साथ साथ कैसे लगे आपके क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन दोस्तों, और आपके जीके के सेक्शन में 10 से 12% करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि करंट अफेयर की जितनी भी क्लास अब तक हुई है एक बार देख जरूर लेना, एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पर जाकर, सारे क्लासेस मिल जाएंगे वहां पर। और रेगुलर क्लास करंट अफेयर की लिया करें, 8 से 9 मिनट की क्लास होती है, बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्लास भाई। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास समान ज्ञान की 11 बजे होगी, आप लोग देखिएगा जरूर। क्लास के पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले। साथ साथ मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आप तो एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा में एक सरकारी सीट चाहते हो दोस्तों, तो आपको हमारा क्रैश कोर्स जरूर परचेज करना चाहिए। इसमें आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, जो आपको आपने बुक ले रखी है मार्केट से उसमें केवल 3-4 साल पेपर मिलता है और एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। इसमें आपको विथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है सब कुछ, आपको साथ साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया, हिंदी जीके रीजनिंग सब कुछ दिया गया, ओवरऑल टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, खरीदने का आज जरूर खरीद लीजिए दोस्तों, समय बहुत कम है, पढ़ना भी है इसको, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को, लाइक कर देना भाई सब लोग, 200 लाइक का एम रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करके बता दो भाई सभी लोग। 1 का उत्तर आपका ऑप्शन सी करतर हो जाएगा, नाज फाउंडेशन है भाई, इन्होंने जीता है। अगला देखिए 2 नंबर, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दो भाई सब लोग, 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो फटाफट। 2 का राइट आंसर यहां पर सी का आंसर हो जाएगा भाई, 41। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न है दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बता दो भाई फटाफट आप लोग। 3 का उत्तर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है भाई बताओ। 4 नंबर का राइट आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, सभी सत्य है। अगला देखो भाई, इन्हीं सभी सत्य यहां पर पूछा गया मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में। तो देखिए, यह किताब हरियाणा की हरनाज सिंधु ने जीता, ये बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। अगला है देखो भाई, यह किताब जीतने वाली हरनाज संधु भारत की तीसरी महिला, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह किताब जीता था, और इस बार तीसरी ये 2021 में इन्होंने जीता है हरियाणा की हरनाज संधु। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। 5 नंबर का आंसर करें आप लोग। 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा भाई, दिल्ली पुलिस ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भाई। 6 नंबर का आंसर कमेंट करिए आप लोग। सभी लोग लाइक कर देना भाई, 200 लाइक का टारगेट रखा है, उम्मीद करता हूँ 200 से भी ज्यादा आप लोग करेंगे, बस सब लोग सपोर्ट करिए भाई। 6 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, शिमला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दें आप लोग। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, एस के सोहन राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइए। 8 का ए का उत्तर हो जाएगा, बारबाडोस। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस में आयोजित विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दो, इंपॉर्टेंट है भाई। 9 का बी का उत्तर हो जाएगा भाई, जम्मू कश्मीर राज्य के। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज का
अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है भाई। ग्यारह का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है भाई, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो। 12 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई हरियाणा। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, नोएडा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, इसराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 14 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दें आप लोग। पंद्रह का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वैदेही डोंगरे। अगला है 16 नंबर, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा भाई, 16 नंबर का जवाब दे दो सब लोग। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, गांधीनगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है भाई, 17 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। सत्रह का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट उत्तर है भाई। 18 नंबर पे आ जाते हैं, किस संस्थान के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता दो जल्दी से। 18 का उत्तर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इफको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, 19 नंबर का उत्तर देना है भाई। सभी लोग लाइक कर दो क्लास को जिसने भी नहीं किया अभी तक, और जिसने भी हमारा क्रैश कोर्स परचेज नहीं किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से खरीद लीजिए, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया आप उस पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इस कोर्स को बाय करना है। देखिए भाई बिल्कुल 2019 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, गूगल। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है की गई है, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए, 20 का क्या हो जाएगा भाई, बी का उत्तर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न पूछा सकता है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या हो जाएगा, 21 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला है 22 नंबर, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, 22 नंबर का उत्तर दीजिए भाई, सभी लोग कमेंट में बताएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे भाई। 22 नंबर का उत्तर, 22 का बी और सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा, बिल्कुल सही है इसका, सॉरी एक सेकंड भाई, 21 का तो हामिद अंसारी जी हैं, 22 का बताना था, तो 22 का उड़ीसा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, इसको करेक्ट कर लेना, उड़ीसा सही है। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दें आप लोग। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, 24 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, अगर आपको इनमें से 10 क्वेश्चन के भी आंसर पता थे तो समझ लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहिए, करंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास को लाइक कर दो भाई, 200 लाइक ना हुआ हो तो सभी पहले लोग लाइक कर दो जल्दी जल्दी, एंड शेयर भी करना, अगली क्लास 11 बजे होगी। 24 नंबर का उत्तर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।